मॉर्निंग फ्रेंड, क्या प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अगर आपका एक डायगोनल और चार साइड गिवन हो तो हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी वाले चैप्टर को 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया था जो उसके ऊपर बेस्ड था, मतलब आपके अगर चार साइड्स और एक डायगोनल गिवन हो तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमने देखा था। अब हमारा सेकेंड जो पार्ट आता है क्वाड्रेंट कंस्ट्रक्शन का, वो आता है कि अगर आपको टू डायगोनल्स गिवन हो और अगर थ्री साइड्स गिवन हो देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम कैसे बनाएंगे, राइट? ठीक है, तो अब इसमें देखिए जनरल एक एक्सप्लेनेशन मैं लेके चल रही हूँ। सपोज आपका जो है एग्जाम्पल जो है, राइट, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको दिया हुआ है, गिवन है आपके पास स्टूडेंट, राइट, ठीक है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, ठीक है, इसमें दिया, राइट। अब आपको गिवन है बी टू सी, सी बी मतलब
मतलब आपको लेंथ गिवन है वो है 4.5। तो वापस से 4.5 सेंटीमीटर का 9 सेगमेंट ड्रॉ करिए, कंपास में आर्क लीजिए और सी से आपका जो है 4.5 का आपको आर्क ड्रॉ कर देना है। और दोनों पॉइंट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास में बी पॉइंट। पॉइंट बी आ जाएगा, वर्टेक्स बी आ जाएगा। ये लेंथ आपको गिवन है, ये है हमारी 4.5 सेंटीमीटर। अब आपका डायगोनल हमने लिया था 7 सेंटीमीटर का, आप इसको भी डी के साथ में जॉइन कर लीजिए। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर का डायगोनल। और ए भी हमें नहीं गिवन है बट फिर भी हमारा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया है, राइट। ठीक है, अब 4.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे, इस वाले को हम वापस से एक्सप्लेन करते हैं। 4.2 के एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट, राइट। ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है 4.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है और उसका नाम है LIFT लिफ्ट, इन्होंने नाम दिया है, ठीक है। उसमें अब आपके बाद में सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाएंगे, जैसे इसका मैंने पहले रफ डायग्राम बनाया वैसे ही इस क्वेश्चन वन का रफ डायग्राम बनाएंगे। लेट्स सी हाउ वी डू द क्वेश्चन, कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2 है हमारी, क्वाड्रिलेटरल है लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट हमें बनाना है, ऐसे नाम दे देंगे क्वाड्रिलेटरल को, नीचे से स्टार्ट करेंगे, दिस इज पॉइंट LIFT, ओके। अब आपको गिवन है LI के जो वैल्यू है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपका जो है IF आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर है, T टू L आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, LF आपको गिवन है 4.5, ठीक है। LF आपका डायगोनल है, L से आपको ज्वाइन किया है, ठीक है। LF की वैल्यू है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। अब है नेक्स्ट हमारा डायगोनल गिवन है IT, तो I से T को हम मिलाएंगे और इस डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, ओके। सो ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, आपको इस वाली साइड की वैल्यू नहीं गिवन है, TF की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको बेस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने कैसे लेते हैं, ये हमारा रफ स्केच हो गया, उसके बाद इसको जॉइन कर देना है।
टी टू एल को ज्वाइन कर देना है, टी टू एफ को ज्वाइन कर देना है, और एल डी भी आपको गिवन है, सो एल डी भी आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये वैल्यू हो गई मेरी 4 सेंटीमीटर और ये आपकी लेंथ थी 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब कौन सा केस है, जब हमें तीन साइड गिवन हो और दो डायगोनल अगर गिवन हो तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने का है। दैट इज सो सिंपल, सेम तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। व्हाट इज रोम्बस? इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट? ठीक है, 90 डिग्री पे हमारा बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने के चल रहे हैं, अभी थर्ड डिस्कस करेंगे। हाउ वी डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच। ठीक है, रफ डायग्राम बनाएंगे हम इसमें। बैंड आपको एक गिवन है, रोम्बस है, रोम्बस की नेम आपको गिवन है बीई। ये आपको गिवन है बेटा, इसमें अब आपको गिवन है बीएन आपको गिवन है और बीई आपको गिवन है। सो देखिए बीएन आपको गिवन है बेटा 5.6 सेंटीमीटर, उसके बाद डीई आपको गिवन है स्ट्रेंथ और डीई की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें तो हमारे से दो ही डायग्राम है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे। स्ट्रेंथ रोम्बस में जो है आपको मैंने बताया था कि साइड इक्वल होती है, बट साइड हमारे पास एक भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस होगा, रोम्बस में आपके जो डायग्राम्स होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीएन को बेस ले लेते हैं। ठीक है स्ट्रेंथ, राइट? ठीक है, बी एन और बी एन की लेंथ हमारी कितनी है, लाइन सेगमेंट बी एन की लेंथ हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। ओके, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, चारों साइड्स इक्वल फर्स्ट प्रॉपर्टी, और फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री, सपोज डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री। और ये पार्ट जो आएगा, सपोज ये आपका एरिया मैंने एबीसीडी रोम्बस है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट पे इक्वल होता है एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ठीक है, दोनों हमारे पास इक्वल होंगे, राइट? ठीक है, अब देखो इसमें बेटा हम क्या करें, इस वाले में इसको 5.6 नहीं लेके हम क्या कर लेते हैं 6.5 ले लेते हैं, तो उससे हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा, तो आपका 6.5 का हाफ करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं डी ई, राइट? ठीक है, अब देखो 6.5 हो गया, अब दूसरी डायगोनल की लेंथ क्या है मेरी 5.6 है। ठीक है, जो आपका बी एन है वो है आपका 5.6। ठीक है, अब डायगोनल बी एन आपका कैसे आएगा, यहाँ से 90 डिग्री की लाइन पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है वो कर बताती हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप क्या करेंगे, इसका जो है बी एन पे आर्क आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले जो भी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको उस पे किसी भी पॉइंट पे, या तो इस वाले पे या फिर इस वाले पे, किसी एक पॉइंट पे आपके कंपास को रख देना, कंपास को मोर देन हाफ, जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है उससे मोर देन हाफ आपको ओपन कर देना है। ठीक है, मोर देन हाफ हमने ओपन कर लिया और इस वाली साइड एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और डाउनवर्ड साइड में भी एक आर्क हमें ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इस पॉइंट पे भी आर्क हमारा उतना ही रहेगा, कंपास की सेटिंग चेंज नहीं करनी है, इस पॉइंट से भी उतने ही जो है हमारा लेंथ का आर्क होगा, राइट? ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट आपस में जहां पे भी दोनों आर्क जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मींस यहां एंगल मेरा फॉर्म हो जाएगा 90 डिग्री और दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके इक्वल आ जाएंगे। अब सिमिलर वे में यही प्रोसेस हमें यहां करना है, कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। डी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर दिख रहा है एक आर्क नीचे दिख रहा है। ठीक है, कंपास में उतना ही आर्क रखना है, ई पॉइंट पे रखेंगे एक आर्क ऊपर एक आर्क आपका नीचे, राइट? ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों आर्क आपके ड्रॉ कर दिए, राइट? ठीक है, अब दोनों आर्क यहाँ पे ये वाला आर्क यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला आर्क यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों को आप इस
ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है ठीक है ओ पॉइंट हम ले लेते हैं।